तनुश्री दत्ता ने अजय देवगन पर लगाया आरोप, बॉलीवुड ऐसे पाखंडियों से भरा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मीटू अभियान के दौरान एक्टर आलोक नाथ पर रेप जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद कहा गया था कि आलोक नाथ किसी फिल्म या टीवी शो का हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन लोग हैरान तब रह गए जब हाल ही में अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे के ट्रेलर में आलोक नाथ अहम किरदार निभाते नजर आए। जब फिल्म के निर्देशक और अजय देवगन से आलोक नाथ की उपस्थिति पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग पहले ही हो चुकी थी। बहरहाल बॉलीवुड में मीटू अभियान की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने एक इवेंट के दौरान अजय देवगन को इसके लिए जमकर लताड़ा। तनुश्री दत्ता ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री झूठे शो ऑफ करने वाले और पाखंडियों से भरा है। आलोक नाथ पर गंभीर आरोप सामने आने के बाद फिल्म में आलोक नाथ से सीन को दोबारा से रीशूट किया जा सकता था, लेकिन नहीं, उन्हें रेपिस्ट आलोक नाथ को फिल्म का हिस्सा बनाए रखा। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि दे दे प्यार दे के ट्रेलर और पोस्टर सामने न आने तक किसी को पता नहीं था कि आलोक नाथ फिल्म का हिस्सा है। ऐसे में अजय देवगन और मेकर्स चाहते तो वो चुपचाप से आलोक नाथ को रिप्लेस कर सकते थे, उनके सीन की रीशूट कर सकते थे। बता दें कि टीवी प्रोड्यूसर विनीता नंदा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए संस्कारी अभिनेता आलोक नाथ पर रेप जैसे गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद एक्ट्रेस संध्या मंदुल, दीपिका अमीन और फिल्म हम साथ साथ है के एक क्रू मेंबर ने भी आलोक नाथ पर शोषण का आरोप लगाया था। एक्टर के खिलाफ केस भी दायर किया गया था। इसी साल जनवरी में सेशन कोर्ट ने आलोक नाथ को अग्रिम जमानत दी। वहीं पिछले साल मीटू के बारे में अजय देवगन ने कहा था कि मीटू के तहत जो भी हो रहा है वो सब पढ़कर व्यथित हूँ। मेरे कंपनी और मैं महिलाओं की पूरी इज्जत और सुरक्षा देने का भरोसा रखते हैं। यदि किसी ने एक महिला के साथ भी गलत किया हो तो ना ही ADF और ना मैं उसके साथ काम करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।